नितिन गडकरी जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ, ये ऐसे रोडवा नहीं बनेगा, रोडवा में जब बजट लगाएंगे ना तभी बनेगा। आप देख लीजिए पुलिया अंडरपास बन रहा है और यहाँ पुलिया बन रहा है, 5 साल हो गया नितिन गडकरी जी, 5 साल हो गया, एक पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। किससे सवाल करें, आपसे या यहाँ के स्थानीय जनता से करें या यहाँ के अनचाहिए जो विभाग है उससे कर, जो प्लांट बैठा है यहाँ के सब भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, चोर इंजीनियर हैं सब यहाँ के। नहीं बिल्कुल बोलूँगा, बिहार के चोर इंजीनियर के तौर पे उत्तर प्रदेश में घुसपैठी चोर इंजीनियर मोतियाबिंद सब इंजीनियर बैठे हुए हैं, यहीं से आते जाते हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। बताइए, गडकरी से करना चाहता हूँ या आपसे करूँ? नहीं नहीं नहीं, प्रश्न तो बनता है पर इसका जिम्मेदार कौन है आप बार बार पूछ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार मैं सरासर दूंगा कि नितिन गडकरी जी हैं। यह जो नमस्कार, इस समय सरोज ग्राम सभा में मौजूद हैं जहां पे HN9 का जो यह 4 लेंथ जो बना हुआ है, रोड बना हुआ है, और आपको हम दिखाते चल रहे हैं कि यह जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो आ रही हैं, अगर किसी व्यक्ति का अगर देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो आ रही हैं यहाँ पर, और आपको दिखाते चल रहे हैं कि यहाँ पे कहीं जो है एक बोर्ड भी नहीं लगा है 17 से यह पुलिया का जो निर्माण हो रहा है, मगर अब तक के लिए जो है यह जो एक खन का जो छोड़ दिया गया है, और यह आपको दिखाते चल रहे हैं कि यह जो है HN9 की तरफ से ये तो बंधा तो बांध दिया गया है, ये पट्टी बांध दिया गया है, मगर कहीं बोर्ड नहीं लगा हुआ है। हम कुछ ग्राम सभा के लोगों से बात करते हैं, या कब से यह लगा हुआ है? 2017 से लगा हुआ है। क्या एक उम्मीद है कि कब तक ये बन अब जाएगा? तो वही लोग बताएं, हम लोग क्या बताएं, बनवाने ही वाले इनको बता सकते हैं। सवाल किससे किया जाए, HN9 के लोगों से किया जाए कि किससे, उसके विभाग से, HN9 विभाग से किया जाए, कार्यकर्ता से कहें, किससे कहें कि बताइए हेलो। अब उस बगल नाले के है व्यवस्था, बाकी नाला भी नहीं है, पानी हमारे घर में जा रहा है, हम कैसे रहें। कल मैंने देखा इनको रम्मा से लेकर के बेचारे ऐसे कर रहे थे, हैं तो मैंने वही कहा कि अरे HN9 के जो भी लोग हैं इनको ये करना चाहिए। अब मैं गया भी वहाँ पे लेकिन कोई मौजूद नहीं था उस समय। देखिए सबसे बड़ी बात, अच्छा बताइए इसे दिक्कत क्या है? दिक्कत समस्या तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है रोड क्रॉस करना, दूसरी बात डस्ट, तीसरी कि इनके घरों में पानी, जैसे बरसात स्टार्ट होती है तो उनके घरों में लबालब पानी, लगभग सीने के बराबर पानी हो जाता है, इनका आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि 7x60 फुट यह पुलिया निर्माण हो रहा है, सरोज में आकर आप लोग देख सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 2017 से इस NHIA का निर्माण हो रहा है, इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो चुका लेकिन यहाँ पर 7x30 का पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया। बताइए सवाल किससे किया जाए, नितिन गडकरी जी आपसे, यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों से किया जाए? जैसे पानी के लिए निकास किधर से है? देखिए निकास यहाँ पर कोई नहीं है न, तो यहाँ के स्थानीय जो निवासी जो है कोई व्यवस्था, लोग कह रहे हैं कि रोड के साथ साथ दोनों बाजू नाले का निर्माण किया जाएगा, परंतु यहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि नाला बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे बरसात आता है यहाँ पर पानी से लबालब 200 लगभग घर में पानी बिल्कुल एकदम आसानी के साथ जाता है, वहाँ जहाँ घर में रोटियाँ बनाई जाती हैं। मैं झूठ नहीं बोला हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, पूछ लीजिए आप। ऐसी स्थिति है जो बरसात आते ही हम लोग को क्रॉस करना या कहीं भी आना जाना, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ के स्थानीय जो आला अधिकारी हैं NHIA विभाग के, जो सरोज में जो प्लांट बैठा है, यहाँ के सब भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, चोर इंजीनियर हैं सब यहाँ के। नहीं बिल्कुल बोलूँगा, बिहार के चोर इंजीनियर के तौर पर उत्तर प्रदेश में घुसपैठी चोर इंजीनियर मोतियाबिंद सब इंजीनियर बैठे हुए हैं, यहीं से आते जाते हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है। बताइए, यहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े इंजीनियर यहाँ पे लगे हुए हैं, मगर इंजीनियरों का यह जो है काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के में लिप्त जो है HN9 विभाग है। आपको ये पहले दिखा रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी जो लारियाँ जो आ रही हैं, यह जो है सबसे ग्राम सभा के लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है और सबसे उन लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए यहाँ पे रुक जाइए दो मिनट भैया, यहाँ आप जाएंगे इस यादव मोड़ की तरफ, बता दूँ कि आजमगढ़ की तरफ जाएंगे तो लगभग मात्र यहाँ से 500 मीटर का तमसा नदी है,
बिल्कुल आसान है। यहाँ पर मैं चाहूँगा अधिकारियों से कि दोनों तरफ नाले का निर्माण करके उस तमसा नदी में इस पानी को गिरा दिया जाए कि ताकि यहाँ के आने वाली समस्या जो है यहाँ के स्थानीय लोगों से निदान मिल सके। बिल्कुल आसान है, यहाँ के पुल है लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। तो देख रहे हैं कि यह किसी का मकान है, अगल बगल मकान है, मगर आप देख रहे हैं कि यह जो पुलिया में यह पानी भरा हुआ है, अगर पानी अगर खुल जाएगा तो किसी के घर में जाएगा और कितना यह बदबू मार रहा है। विभाग यानी HN9 के लोग, ये विभाग ये कर क्या रहा है आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं।